हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे हम सीख रहे हैं फिजिक्स एनिमेशन। फिजिक्स एनिमेशन का जो ऑप्शन है वो आपको साइड में मिलेगा। इधर की साइड में जब आप देखेंगे तो इस तरह का एक आइकन मिलेगा जिसपे आपको लिखा होगा फिजिक्स। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड में फिजिक्स एनिमेशन के सारे ऑप्शन हमारे पास में आ जाएंगे। इसमें ये जो रिजिड बॉडी वाला ऑप्शन है ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, और जो लोग अभी यहाँ पे बिगनर हैं वो वेब फॉर क्लिक के प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे सॉफ्ट बॉडी। सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको थोड़ा सा मैं खींच के अगर आगे करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। अब आइए सबसे पहले यहाँ पे रिजिड बॉडी और सॉफ्ट बॉडी में अंतर को समझ लेते हैं। जिन लोगों ने पिछला एपिसोड देखे हैं उनको पता होगा कि रिजिड बॉडी जो होती है वो हमारी ठोस चीजों के लिए इस्तेमाल होती है, और जो भी ठोस चीजें होती हैं जैसे कि हमारा मेटल हो गया या कोई पत्थर हो गया, उसके लिए हम यहाँ पे रिजिड बॉडी इस्तेमाल करते हैं। रिजिड बॉडी वाली जो चीजें होती हैं उसमें जो वजन होता है वो बहुत ज्यादा होता है और वो बिल्कुल ठोस होते हैं। आज के इस टॉपिक में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सॉफ्ट बॉडी। तो जैसे कि आपको नाम इसका पता लग रहा है सॉफ्ट, तो जो हमारे सॉफ्ट चीजें होती हैं उनके लिए हमारा ये सॉफ्ट बॉडी इस्तेमाल होता है। फिजिक्स के लेवल से अगर देखा जाए तो इसमें दो तरह की क्वालिटी हमें मिल जाती है जिसको हम अपने एनिमेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली क्वालिटी होती है हमारी रबर की क्वालिटी, यानी किसी भी चीज को आप जितना आप खींचना चाहते हैं उतना खींच सकते हैं, और उसकी एक लिमिट होती है, यानी कि जब हम रबर को खींचते हैं तो टूटने से पहले वो कितना तनाव उसमें सहन कर सकती है। तो इस तरीके से हमारी पहली क्वालिटी रबर की क्वालिटी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरी हमारी जो क्वालिटी आती है वो आती है स्पंज क्वालिटी, यानी जैसे हमारी स्पंज वाली चीजें होती हैं, अगर हम स्पंज वाली चीजों को दबाते हैं तो वो वापस अपनी पुरानी वाली अवस्था में आ जाते हैं। यानी जितनी देर हम उसको दबा के रखें उतनी देर वो वहां पे दबी रहती हैं, उसके बाद वो वापस से अपनी अवस्था में आ जाती है। अब सबसे पहले तो ये जो सॉफ्ट बॉडी है इसको किस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे पास में एक क्यूब आपको नजर आ रहा होगा, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और इसमें कोई ऐसी चीज लूंगा जिसमें काफी सारे वर्टिसेस मेरे होंगे। जैसे मैं शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास में एक यूवी स्फीयर जो है ये मुझे मिल जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे ले लूंगा। इसके बाद मैं शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा और यहाँ पे मैं एक प्लेन लेता हूँ, यानी कि मेरी जो बॉल है वो इस प्लेन के ऊपर गिरेगी। तो इनको थोड़ा सा मैं कलर कर लेता हूँ और चलते हैं अपना दूसरे ब्लेंडर के स्क्रीन पे। तो चलिए मैंने इनको थोड़ा सा कलर कर लिया है जो अच्छे से आपको यहाँ पे दिखाई दे, और अब यहाँ पे ये जो हमारा सॉफ्ट बॉडी है इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे इस्तेमाल करके देखेंगे। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में सॉफ्ट बॉडी को इस्तेमाल करना है, मान लीजिए मुझे इस बॉल में ये इस्तेमाल करना है, तो सिंपली इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ये जो सॉफ्ट बॉडी ऑप्शन है इस पे बस मुझे क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे कट का निशान आ जाएगा। अगर आपको हटाना है तो सिर्फ ये जो कट वाला निशान है इस पे आपको क्लिक कर देना है, इसमें से ये हट जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया है और नीचे की तरफ इसके सारे ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो ऑप्शन है वो काफी सारे हैं। अब आइए सबसे पहले तो यहाँ पे इसको प्ले करके देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे जैसे ही मैं इसको सॉफ्ट बॉडी इस्तेमाल करता हूँ, अभी इसमें अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देखेंगे मेरी जो बॉल है वो अपनी जगह पे ही थोड़ा सा मूवमेंट कर रही है, ना तो ये नीचे की तरफ गिर रही है और ना ही इसमें किसी तरह की क्वालिटी मुझे नजर आ रही है। तो सबसे पहला क्या काम करना है, आपको अपना जो टाइमलाइन है इसको हमेशा 1 पे रखना है काम करते वक्त, यानी कि सिर्फ आपको प्ले करते टाइम ही यहाँ पे चेक करना है, प्ले करने के बाद वापस अपना 1 पे सेट कर देना है। अब चलिए थोड़ा सा सॉफ्ट बॉडी के ऑप्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जो बॉल आपको नजर आ रही है इसको अगर मैं एडिट मोड में जाके देखूंगा तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे एजेस आपको नजर आएंगे, और यहाँ ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं ये दो ऑप्शन आपको नजर आएंगे, एक गोल और दूसरा हमारा एजेस जिन पे हमारा टिक लगा हुआ है। वैसे तो इसमें काफी सारे ऑप्शन है लेकिन मेन ऑप्शन हमारे ये वाले हैं जिन पे हमारा टिक लगा हुआ है। अब ये जो गोल होता है इसको अगर मैं खोलूंगा तो ये हमारा वर्टेक्स ग्रुप यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इसके बाद इसमें इसकी सेटिंग्स आपको नीचे की तरफ मिलेगी। तो ये जो गोल आपको नजर आ रहा है ये हमारा वर्टेक्स ग्रुप के हिसाब से काम करता है, और जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि वर्टेक्स ग्रुप क्या होता है। ये जो हमारे छोटे छोटे पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं, और अगर हम पूरे ऑब्जेक्ट की जगह
किसी थोड़े से ऑब्जेक्ट पे ये जो भी हम इधर की साइड में इफेक्ट या फिजिक्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं वर्टेक्स ग्रुप। यानी कि हमारा एक ग्रुप जो है वो हम यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं और केवल उतने पोर्शन में हम यहाँ पे इसको फिजिक्स एनिमेशन या कोई भी मॉडिफायर या कुछ भी हम यहाँ पे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें कोई भी वर्टेक्स ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया है और ना ही उसको सेव किया है। जब मैं उसको सेव करूंगा तो वो मेरा यहाँ नीचे की तरफ वर्टेक्स ग्रुप वाले ऑप्शन में आपको नजर आएगा। यानी जो भी वर्टेक्स ग्रुप हम सेव करते हैं वो यहाँ ये जो तिकोना सा आकार आपको नजर आ रहा है इसमें यहाँ पे ये सेव होते हैं। और फिजिक्स वाला जो ऑप्शन है इस पे मैं वापस जाऊंगा यहाँ पे, तो अभी हम यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप जो है इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और मेन अपना एजिस पे आते हैं। यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये हमारा एजिस होता है और जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे दो वर्टेक्स होते हैं इनके बीच में जो लाइन आपको नजर आ रही है ये हमारी एज कहलाती है। तो ये जो सॉफ्ट बॉडी है ये हमारी एज पे डिपेंड होती है और एज के हिसाब से ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। इसको मैं वापस से ऑब्जेक्ट मोड में यहाँ पे रखूंगा और इसमें सबसे पहला काम यानी मुझे क्या करना है, इस बॉल को यहाँ नीचे की तरफ गिराना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें ये जो गोल वाला ऑप्शन जो आपको टिक नजर आ रहा है ये टिक मुझे हटा देना है, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी वर्टेक्स ग्रुप सेलेक्ट नहीं किया है ना ही मैंने इसमें कोई वर्टेक्स इसमें लगाया है। इस वजह से वहां बॉल में उसमें कोई भी छोटा सा पोर्शन उसको नहीं मिल पा रहा है जिसमें ये सॉफ्ट बॉडी को अप्लाई कर सके। इस वजह से पूरी बॉल हमारी यहाँ पे ऊपर की तरफ टंगी हुई है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ये जो गोल है इसको हटाऊंगा, अब मेरी जो बॉल है ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि अब मेरी पूरी बॉडी पे मेरा ये फिजिक्स एनिमेशन यानी कि ये जो सॉफ्ट बॉडी वाला जो ऑप्शन है ये पूरी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है। जब तक मैं ये गोल पे टिक लगाता हूं तब तक मेरे को यहाँ पे कोई वर्टेक्स देना होगा, तभी मेरा यहाँ पे ये उस वर्टेक्स पे काम कर पाएगा। और प्रायोरिटी में हमेशा ये गोल को ऊपर रखता है, इस वजह से ये एजिस वाला जो ऑप्शन है ये तब तक हमारा काम नहीं कर पाता है। अब मैं इसको यहाँ पे प्ले करूंगा तो आप देखेंगे मेरी बॉल नीचे चली जाएगी, लेकिन क्योंकि मेरा ये जो प्लेन है इसमें टकराने वाली जो क्वालिटी है वो यहाँ पे नहीं होती है, वो यहाँ पे मैंने अभी यूज नहीं की है, तो इस वजह से मेरी बॉल नीचे की तरफ इसमें गिर गई है। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि रिजिड बॉडी में तो हमें ऑप्शन दिया था वहां पे टकराने के लिए। अगर आपको मैं दोबारा से दिखाना चाहता हूं तो ये जो बॉल है इसको थोड़ी देर के लिए मैं सॉफ्ट बॉडी हटा देता हूं इसमें से, और रिजिड बॉडी में कैसे हम चीजों को टकराते थे एक बार मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं। रिजिड बॉडी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस वाले ऑब्जेक्ट में रिजिड बॉडी अप्लाई करना है, फिर नीचे वाले में रिजिड बॉडी अप्लाई करना है, और जिस ऑब्जेक्ट को आपको फिक्स रखना है यानी कि जब हम इसमें रिजिड बॉडी या सॉफ्ट बॉडी अप्लाई करते हैं तो दोनों चीज नीचे की तरफ गिरती हैं। अगर मैं प्ले करूंगा तो ये दोनों चीज नीचे की तरफ गिरेंगी इस तरीके से, लेकिन कोई चीज मैं अगर फिक्स करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें एक्टिव की जगह यहाँ पे पैसिव सेट कर देना होता था, और अब मेरा ये वाला फिक्स हो जाएगा और ये वाली चीज इस पे आके गिर जाएगी। तो ये हमारा प्रोसेस था रिजिड बॉडी वाले ऑप्शन में। तो अब दोबारा से मैं यहाँ पे इसमें से हटा देता हूँ रिजिड बॉडी को, तो ये जो कट वाला निशान है सबसे पहले मैं बॉल को सेलेक्ट करके इसमें से हटा दूंगा यहाँ पे, और नीचे वाला जो है इसमें से ये हटा दूंगा। अब मुझे इस बॉल में क्योंकि सॉफ्ट बॉडी यहाँ पे अप्लाई करनी है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट मेरा जो गोल है वो दोबारा से सेलेक्ट हो गया है, तो सबसे पहले मुझे गोल को हटा देना है ताकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ यहाँ पे गिरे। अब क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे बॉल को सेलेक्ट करके दिखाऊंगा तो इसमें कोई भी एक्टिव वाला जो ऑप्शन है वो इस तरह का कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इससे टकराएगा कैसे। तो अगर आपको किसी भी चीज से यहाँ पे जिसमें आपने सॉफ्ट बॉडी इस्तेमाल किया है टकराना है, तो इसके लिए फिर आपको दूसरा एक और ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोलिजन। कोलिजन का हिंदी में मतलब होता है टकराना। तो सिर्फ आपको ये ऑप्शन अभी के लिए, जैसे मान लीजिए मुझे ये इसको टकराने वाली क्वालिटी देनी है तो ये कोलिजन पे मैं टिक करूंगा, अब इसके अंदर मेरी टकराने वाली क्वालिटी पैदा हो गई है। और अब मैं अगर बॉल को यहाँ पे नीचे की तरफ गिराऊंगा तो आप देखेंगे मेरी बॉल नीचे गिरेगी और यहाँ पे इस तरीके से एक पानी की तरह बूंद की तरह इसके ऊपर सिमट जाएगी। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर ये इस तरीके से कैसे हो गई इसमें, और अगर मुझे इसको थोड़ा सा रबर टाइप की चीज बनानी है या फिर इसमें थोड़ा सा स्पंजीनेस लाना है तो उसके लिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा।
अब इसमें अगर आपको रबड़ और स्पंजीनेस की क्वालिटी लानी है तो यहाँ एज वाले ऑप्शन को जब आप यहाँ पे खोलेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा एक पॉइंट आपको नजर आएगा, इसको जब आप क्लिक करेंगे इस तरीके से ये एक्सपेंड हो जाएगा, इसको बंद करना है तो इस तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। तो इसको जब आप खोलेंगे तो इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन नजर आएंगे। तो ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं ये सभी आपको डिटेल में समझने पड़ेंगे, तभी आप इसमें रबड़ वाली क्वालिटी और स्पंजीनेस को मिक्स करके जैसे मन करे वैसे इसके आकार को यहाँ पे टकराते समय चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अगर मैं इसको यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल जाके जमीन पे एकदम सिमट जा रहा है इस तरीके से, और मैं चाहता हूँ कि ये इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल पानी की तरह ना बने। तो उसके लिए सबसे पहला जो ऑप्शन आपको छेड़ना है वो इसमें छेड़ना है बेंडिंग का। यहाँ नीचे की तरफ आप देख रहे हैं बेंडिंग वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा। बेंडिंग जो ऑप्शन है ये हमारा एजिस के हिसाब से काम करता है, यानी कि बॉल के अंदर जैसे ही मैं यहाँ पे इसको अगर एडिट मोड में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे आपको एजिस नजर आएंगे। ये सारे जो एजिस होते हैं ये हमारे यहाँ पे एक एक फेस जो है इसके अंदर, ये एक फेस हमारा जो है ये इनको फोल्ड करने का काम करता है, क्योंकि मेरे जो दो फेस हैं वो आपस में एक एज से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और जब इनको यहाँ पे ये फोल्ड करता है यानी कि बेंड करता है तो उनके बीच में यहाँ पे जो एंगल है वो अभी हमारा जीरो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंडिंग का जो ऑप्शन है वो अभी बिल्कुल जीरो है। तो ये जो बेंडिंग वाला ऑप्शन है अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जब हम यहाँ पे कोई वैल्यू देंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे 0.5 वैल्यू यहाँ पे इसको दे देता हूँ, और अब मैं इसको यहाँ पे नीचे की तरफ गिराऊंगा तो आप देखेंगे मेरी जो बॉल है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से नजर आएगी, यानी कि थोड़ा सा इसमें आपको अब प्लास्टिक टाइप की चीजें यहाँ पे नजर आ रही है। तो बेंडिंग को मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। अब मैं इसको अगर प्ले करूंगा तो आप देखेंगे मेरी जो बॉल है वो यहाँ पे टकरा के कुछ इस टाइप से नजर आएगी। तो आप देख रहे हैं कि मेरा ये बेंडिंग करने पे अब ज्यादा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क बस इतना पड़ा है कि पहले मेरा ये बिल्कुल जाके चिपक गया था फेस से, यहाँ पे नीचे वाला जो है इससे बिल्कुल जाके चिपक गया था, लेकिन जैसे ही मैंने बेंडिंग थोड़ा सा बढ़ाया इसमें अब ये चिपक नहीं रहा है, ये थोड़ा सा क्लोथ की तरह यहाँ पे नजर आ रहा है। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि फिजिक्स एनिमेशन में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है रेंडरिंग की, यानी कि अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देख रहे हैं मेरा सिस्टम बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन का है, उसके बावजूद यहाँ पे जब मैं इसको प्ले कर रहा हूं तो मेरा ये काफी लोड ले रहा है, और जिनके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम होगी वो तो यहाँ पे जब प्ले करेंगे तो हो सकता है आपको और ज्यादा इसमें लोड पड़े। तो ये जो ऑप्शन है इनको समझने से पहले थोड़ा सा आइए यहाँ पे जान लेते हैं कि अगर आपको अच्छे से इसमें काम करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको प्ले करते समय इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है सीन। इस सीन पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिजिड बॉडी वर्ल्ड, और इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कैशे नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, CACHE नाम से, और इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ आपको बेक का ऑप्शन मिलेगा। तो कभी भी अगर आप यहाँ पे फिजिक्स एनिमेशन में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे बेक वाला जो ऑप्शन है ये आपको यूज करना है। सबसे पहले तो जिनके कंप्यूटर की कंफिग्रेशन कम है वो बेक करते समय यहाँ ये जो सॉलिड मोड है इसमें लेके आ जाएंगे, इससे आपका लोड बहुत ज्यादा कम हो जाएगा सबसे पहले। और अगर आपको ये चेक करना है कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है तो इसके लिए यहाँ पे ये जो बेक वाला ऑप्शन है इससे पहले इसको बेक कर लीजिए। इससे ये क्या करेगा, इसको इंटरनली हमारा ब्लेंडर रेंडर कर लेगा अपने अंदर ही, और इसको रेंडर करके अपने अंदर सेव कर लेगा, और जब आप अगर वीडियो भी निकालते हैं इसका तब भी ये बहुत फास्ट यहाँ पे रेंडर करेगा। तो मैं जैसे ही इसको बेक करूंगा, यहाँ एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बेक केवल यहाँ पे उतने पोर्शन को करेगा जितना आपने यहाँ पे एंड दिया है। यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट 250 एंड दिया है मैंने, तो केवल इतने पोर्शन को यहाँ पे बेक करेगा। इसको मैं जैसे प्ले करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे ये इस तरीके से मेरा बेक होना स्टार्ट हो जाएगा, और थोड़ा सा अगर आपके कंप्यूटर की कंफिग्रेशन कम है तो थोड़ा सा हो सकता है आपको हल्का सा टाइम लगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ी देर इसमें वेट कर लीजिए। और जैसे ही आपका यहाँ नीचे की तरफ ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं
अब मेरी बहुत जल्दी यहाँ पे आगे की तरफ जा रही है, ये थोड़ी देर में जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी जो कि मेरी अब होने वाली है लगभग, तो आपका ये पूरा का पूरा सिस्टम इसमें सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे ये सेव हो गया है। अब मैं इसको वापस से जीरो पे लाऊंगा और वापस से अपना मटेरियल वाले मोड में ले आऊंगा। अब मेरी चीजें इसमें सेव हो गई है। अब मुझे यहाँ पे कंप्यूटर में जो लोड है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका, चाहे आपकी कितनी भी कम कॉन्फ़िगरेशन क्यों ना हो। अब मैं इसको प्ले करूंगा तो ये तुरंत मुझे यहाँ पे रिजल्ट दिखा देगा क्या है, यानी बिल्कुल भी लैग जो है वो आपको नजर नहीं आएगा। इसको आप रेंडर भी कर सकते हैं। हमेशा एक चीज का आपको इस चीज में ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी मैं बेक करता हूँ वो मेरा सेव हो जाता है, और कोई भी चेंजेस अगर मैं दोबारा से फिजिक्स एनिमेशन में जाके करूंगा तो डिलीट ऑल बेक्स जो है इसको आप यहाँ पे डिलीट ऑल बेक्स जो है इसको करेंगे यहाँ पे, तो इसके पूरा जितना भी आपका यहाँ पे आपने बेक किया था वो डिलीट हो जाएगा। अब दोबारा से मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा और अपना फिजिक्स एनिमेशन में थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, बैंडिंग जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, इसकी 5 कर लेते हैं। बैंड को आप यहाँ पे लगभग 10 तक बढ़ा सकते हैं, मेरे ख्याल से 20 करूंगा तो ये 10 तक हमें देगा, यानी कि 10 तक आपका मैक्सिमम होता है। और पुश जो है इसको हम थोड़ा सा 0.7 कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा 0.7 कर लेते हैं। इसको अगर मैं प्ले करूंगा यहाँ पे तो आप देखेंगे मेरी जो बॉल है वो यहाँ नीचे गिरना स्टार्ट होगी। अब क्योंकि मैंने वैल्यू चेंज कर दी है तो इसका जो आकार है वो भी यहाँ पे चेंज होके मेरे सामने आएगा। तो इस तरीके से दोबारा से अगर आपको यहाँ पे चीजें जब भी आप चेंज करते हैं तो फिर से आपको ये एक बार बेक करना है, और कोई भी चेंज करना है यहाँ पे तो पहले उसको बेक को डिलीट करके दोबारा से यहाँ पे देखिए चेंज करके, और फिर यहाँ पे दोबारा से बेक कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इसको जब प्ले करेंगे तो फिर आपकी ये थोड़ा सा बहुत आसानी से आप यहाँ पे अपने रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। ये जो इसकी शेप है ये आपको अगर अलग अलग टाइप से चेंज करनी है, यानी इसमें किस टाइप से आपको थोड़ा सा बॉल को स्पंजीनेस बनाना है, किस टाइप से रबड़ की क्वालिटी देनी है, तो फिर आपको थोड़ा सा ये ऑप्शन जो है इनको समझना पड़ेगा। ये सारे के सारे ऑप्शंस हम यहाँ पे समझेंगे 1x1 डिटेल में, और कौन सा ऑप्शन चेंज करने से क्या क्या इफेक्ट इसमें आते हैं इसको डिटेल में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई चीजों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।